मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएं। करप्शन के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का बड़ा हुक्म, कहा नैब रेफरेंसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे, क्यों ना नैब कानून को गैर आइनी करार दे दें। चीफ जस्टिस का 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की फौरी तैनाती की हिदायत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रबता, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ ने भी आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कराची में शदीद हब्स के बाद भी बादल खुलकर न बरसे, मुख्तलिफ इलाकों में फुहार, जरा सी बारिश में बिजली का निजाम दरहम बरहम, कई इलाकों में घंटों बिजली गायब। करंट लगने के मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का करंट से हलाकतों का पर्चा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटवाने का ऐलान। और मुल्क भर के तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते में खुल जाएंगे, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक, कल एनसीओसी इजलास में हतमी मंजूरी दी जाएगी।